हेलो दोस्तों, आपका हिमायत क्लासेस धौलपुर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए राजस्थान जीके का एक टॉपिक लेकर आए हैं। राजस्थान जीके में से भी आर्ट एंड कल्चर में, आर्ट एंड कल्चर में हस्तकला हैंडीक्राफ्ट, इसका अध्ययन करते हैं दोस्तों और देखते हैं। सबसे पहले अपनी हस्तकला हस्तकला क्या होती है इसके बारे में जानते हैं, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हस्तकला हस्तकला क्या चीज होती है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो हस्तकला वह है जो हाथों से बनाई हुई कला को क्या कहते हैं, हस्तकला कहते हैं। हाथों से बनाई हुई कला को हस्तकला कहते हैं। हाथों से बनाई हुई कला को बनाई हुई कला को हस्तकला कहते हैं। जो हाथों से जो कलाई कला बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं, हस्तकला कहते हैं। जो सुशोभित हो, एट्रैक्टिव हो, उसे क्या कहते हैं, हस्तकला कहते हैं। हाथों से जो कला बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं, हस्तकला कहते हैं। अब बात करें राजस्थान को हस्तकला का खजाना कहते हैं, खजाना कहते हैं, ठीक है दोस्तों। राजस्थान को हस्तकला का क्या कहते हैं, खजाना कहते हैं। और जो हाथों से जो कला बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं, हस्तकला कहते हैं। राजस्थान को हस्तकला का क्या कहते हैं, खजाना कहते हैं, ठीक है। अगर बात करें हस्तकला का राजस्थान में सबसे बड़ा केंद्र, हस्तकला का राजस्थान में सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है, सबसे बड़े केंद्र की बात करें तो हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र है बोरा नाड़ा। और बोरा नाड़ा की बात करते हैं कहां पर है, जोधपुर में स्थित है, ठीक है। हस्तकला का राजस्थान में सबसे बड़ा केंद्र अपना बोरनाड़ा जोधपुर में स्थित है। कहां पर है, जोधपुर में, बोरनाड़ा जोधपुर में स्थित है, ठीक है। और राजस्थान को हस्तकला का क्या कहते हैं, खजाना कहते हैं। अब बात करें राजस्थान सरकार को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा हस्तकला से प्राप्त होती है। जो विदेशी करेंसी है वो राजस्थान सरकार को हस्तकला से प्राप्त होती है। और हस्तकला में भी अगर बात की जाए, हस्तकला में भी हीरे और जवाहरातों से प्राप्त होती है, हीरे और जवाहरातों से, ठीक है। राजस्थान सरकार को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा है वो कहां से प्राप्त होती है, हस्तकला से। और हस्तकला में भी हीरे और जवाहरातों से प्राप्त होती है राजस्थान सरकार को विदेशी मुद्रा, ठीक है दोस्तों। विदेशी मुद्रा की बात की जाए तो राजस्थान सरकार को सर्वाधिक कहां से प्राप्त होती है, हस्तकला से, ठीक है। अगर बात करें राजस्थान सरकार ने हस्तकला के लिए पांच औद्योगिक नीतियां अपनाई हैं। नीति क्या करी है, अपनाई है, पांच औद्योगिक नीति अपनाई है। हस्तकला के लिए राजस्थान सरकार ने अब तक पांच औद्योगिक नीतियां अपनाई हैं। सबसे पहले औद्योगिक नीति, पहली औद्योगिक नीति
औद्योगिक नीति, इस नीति की बात करें तो ये कब की है, 1978 ईस्वी। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, राजस्थान सरकार ने सबसे पहले बात आती है हस्तकला के लिए कितनी औद्योगिक नीतियां अपनाई हैं, तो वो कितनी अपनाई है, 5। सबसे पहली औद्योगिक नीति की बात करें तो ये कब की है, 1978। कब की दोस्तों, 1978। इसमें दोस्तों क्या किया गया था, हस्तकला को उद्योग का दर्जा दिया। पहली औद्योगिक नीति के तहत हस्तकला को उद्योग का दर्जा दिया। जब कोई व्यक्ति है, सबसे पहले कोई कंपनी है या फैक्ट्री खोलता है तो सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है, तो ऐसे ही हस्तकला को पहले उद्योग का दर्जा दिया गया। उसके बाद में दर्जा दिया गया था तो इस औद्योगिक नीति के समय सीएम भैरव सिंह शेखावत थे। और भैरव सिंह शेखावत थे, ये कौन सी पार्टी के थे, जनता पार्टी के। पहली औद्योगिक नीति के समय मुख्यमंत्री कौन था राजस्थान सरकार, राजस्थान का मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत थे। जनता पार्टी के। पहली औद्योगिक नीति का गठन कब हुआ था, 1978। इस औद्योगिक नीति के तहत हस्तकला को क्या दिया था, उद्योग का दर्जा दिया था। और इस उद्योग नीति के समय मुख्यमंत्री सीएम कौन था, तो वो कौन था, भैरव सिंह शेखावत थे। और वो कौन सी पार्टी के थे, जनता पार्टी के। अगर बात आए भारतीय जनता पार्टी, एक तो क्या है जनता पार्टी, एक क्या है नोट डालिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, भारतीय जनता पार्टी की जनता और पार्टी की स्थापना की बात की जाए, तो इसकी स्थापना है 6 अप्रैल 1980 के दिन हुई। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना है कब हुई थी, 6 अप्रैल 1980 के दिन हुई थी। ठीक है, एक बार देखना दोस्तों, राजस्थान सरकार ने हस्तकला के लिए कितनी औद्योगिक नीति अपनाई, 5। कितनी औद्योगिक नीतियां, 5 अपनाई थी। औद्योगिक नीतियों की बात की जाए, कितनी औद्योगिक नीति अपनाई, 5। पहली औद्योगिक नीति की बात की जाए तो पहले औद्योगिक नीति का गठन है वो 1978 के दिन हुआ था, 1978 ईस्वी में हुआ था। अगर बात करें पहली औद्योगिक नीति के तहत हस्तकला को उद्योग का दर्जा दिया, क्या दिया था, उद्योग का दर्जा दिया था। और इस उद्योग नीति के गठन के समय या इस उद्योग नीति के समय सीएम राजस्थान सरकार का सीएम कौन था, भैरव सिंह शेखावत था, जनता पार्टी के थे। अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, तो 6 अप्रैल कब हुई थी, 6 अप्रैल 1980 के दिन भारतीय जनता पार्टी की क्या हो गई, स्थापना हो गई। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, देखते हैं। अगर बात की जाए पहली औद्योगिक नीति की बात होगी, पहली औद्योगिक नीति का गठन है वो 1978 के दिन हुआ था। अब बात होती है दूसरी औद्योगिक नीति। अपनी 5 उद्योग नीतियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, दूसरी उद्योग नीति की बात करें तो इसका गठन है 1991 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1991 ईस्वी में। ठीक है, और इस नीति के तहत कौन सी नीति, दूसरी नीति। इस नीति के तहत हस्तकला का
हस्तकला का सर्वाधिक विकास किया गया, सर्वाधिक विकास किया गया, विकास किया गया। दूसरी औद्योगिक नीति के तहत हस्तकला का सर्वाधिक विकास किया गया। और दूसरी औद्योगिक नीति का गठन कब हुआ था? 1991 ईस्वी। दूसरी औद्योगिक नीति है वो कब की है? 1991 में। और पहली कब की? 1978। पहली में तो हस्तकला को क्या दे दिया? उद्योग का दर्जा दे दिया। और दूसरी में क्या कर दिया? उसका विकास किया। क्या किया? विकास, सर्वाधिक विकास है वो दूसरी औद्योगिक नीति के तहत किया। हस्तकला का सर्वाधिक विकास है वो कब किया? दूसरी औद्योगिक नीति के तहत। और विकास करने के लिए राजस्थान में 3 शिल्प ग्रामों की स्थापना की। कितने शिल्प ग्रामों की? 3। तो विकास करने के लिए इसका हस्तकला का विकास करने के लिए हस्तकला का विकास करने के लिए विकास करने के लिए राजस्थान में 3 शिल्प ग्रामों की स्थापना की। 3 शिल्प ग्रामों की स्थापना की, ग्रामों की स्थापना की। वो 3 शिल्प ग्राम कौन कौन से हैं देखते हैं। नंबर एक है हवाला शिल्प ग्राम। हवाला शिल्प ग्राम, हवाला शिल्प ग्राम, हवाला शिल्प ग्राम की बात करें तो ये कहां पर है? उदयपुर में, ठीक है, उदयपुर जिले में स्थित है। हवाला शिल्प ग्राम है वो किस जिले में? उदयपुर जिले में, ठीक है। अगर बात करें हवाला शिल्प ग्राम, यह हवाला शिल्प ग्राम है ये पिछोला झील के किनारे स्थित है। किस झील के किनारे? पिछोला झील के किनारे स्थित है, ठीक है। जो हवाला शिल्प ग्राम है वो है किस झील के किनारे स्थित है? तो वो किस झील के किनारे स्थित है? पिछोला झील के किनारे। और यह हवाला शिल्प ग्राम है ये कहाँ पर है? उदयपुर में। और सबसे प्राचीन भी शिल्प ग्राम कौन सा है? सबसे प्राचीन भी कौन सा है? हवाला शिल्प ग्राम कहाँ पर है? उदयपुर में। और ये कहाँ पर? पिछोला झील के किनारे स्थित है और सबसे प्राचीन शिल्प ग्राम है। एक बार देखना दोस्तों, साथ ही साथ बोलोगे तो याद हो जाएगा। दूसरी औद्योगिक नीति की बात करें तो ये कब की है? 1991 ईस्वी की। और इस औद्योगिक नीति के समय, हस्तकला का सर्वाधिक विकास किया, विकास करने के लिए राजस्थान में 3 शिल्प ग्रामों की क्या कर दी दोस्तों? स्थापना कर दी। 3 शिल्प ग्रामों की स्थापना कर दी। इसमें सबसे पहला हवाला शिल्प ग्राम। कौन सा? हवाला शिल्प ग्राम। हवाला शिल्प ग्राम की बात करें तो ये कहाँ पर है? उदयपुर में। कहाँ पर? उदयपुर में। और ये पिछोला झील के क्या है? किनारे स्थित है, ठीक है। और सबसे प्राचीन शिल्प ग्राम भी कौन सा है? हवाला शिल्प ग्राम है। अगर बात करें दूसरा शिल्प ग्राम कौन सा है? दूसरे की बात करें तो इसे पाल भी कहते हैं, पाल शिल्प ग्राम। इसे पाप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाप, पाल व पाप शिल्प ग्राम। और इसकी बात करें यह शिल्प ग्राम कहाँ पर है? ये शिल्प ग्राम जोधपुर में स्थित है, ठीक है। ये शिल्प ग्राम जोधपुर में, पाल या पाव शिल्प ग्राम वो कहाँ पर है? जोधपुर जिले में स्थित है, ठीक है। ये दूसरा शिल्प ग्राम है, पाल या पाव शिल्प ग्राम वो कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरे शिल्प ग्राम की ओर, ठीक है दोस्तों। तीसरे शिल्प ग्राम की बात करें तो तीसरा शिल्प ग्राम है जवाहर कला केंद्र की बात करें तो ये कहाँ पर है? जवाहर कला केंद्र जयपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? जयपुर जिले में। इसकी बात करें तो ये कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है, ठीक है दोस्तों। ये कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है। अगर बात करें शिल्प ग्राम है सबसे बड़ा शिल्प ग्राम कौन सा है? सबसे बड़ा शिल्प ग्राम
सबसे बड़ा शिल्पग्राम, ठीक है। अगर बात करें सबसे प्राचीन शिल्पग्राम, तो सबसे प्राचीन तो कौन सा है, सबसे प्राचीन हवाला शिल्पग्राम है, और सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा है जवाहर कला केंद्र। जवाहर कला केंद्र कहाँ पर है, जयपुर में स्थित है। अगर बात करें इसके वास्तुकार, वास्तुकार की बात करें इसका वास्तुकार कौन था, वास्तुकार की बात करें तो इसका वास्तुकार था चार्ल्स कोरियर, चार्ल्स कोरियर। जवाहर कला केंद्र का वास्तुकार कौन था, चार्ल्स कोरियर। ये कहां के थे, कानपुर निवासी थे। चार्ल्स कोरियर थे वो कहां के थे, कानपुर निवासी। जवाहर कला केंद्र के वास्तुकार चार्ल्स कोरियर, और ये कहां के थे, कहां के थे बताइए, कानपुर निवासी। और जवाहर कला केंद्र की बात की जाए तो ये कहां पर है, जयपुर में, सबसे बड़ा शिल्पग्राम है, ठीक है, सबसे बड़ा शिल्पग्राम है, और वास्तुकार चार्ल्स कोरियर है। अगर इसके उद्घाटन की बात करें तो इसका उद्घाटन है, जवाहर कला केंद्र का उद्घाटन है, उद्घाटन की बात करें तो इसका उद्घाटन है वो किसने किया, तत्कालीन राष्ट्रपति, ठीक है, तत्कालीन राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा। और कब किया उद्घाटन, उद्घाटन की बात करें तो उद्घाटन किया था 1993 ईस्वी में। अगर बात करें जवाहर कला केंद्र का वास्तुकार कौन था, तो वास्तुकार चार्ल्स कोरियर थे, और ये कहां के थे, कानपुर निवासी थे। उद्घाटन की बात करें तो इसका उद्घाटन है वो तत्कालीन राष्ट्रपति, और तत्कालीन राष्ट्रपति का नाम क्या है, शंकर दयाल शर्मा। और कब, 1993 में क्या किया था, उद्घाटन किया था। अगर बात करें राजस्थान में सर्वाधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो कहां पर होते हैं, तो वो भी कहां पर होते हैं, जवाहर कला केंद्र जयपुर में होते हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम जवाहर कला केंद्र में होते हैं। ठीक है, अगर बात करें जवाहर कला केंद्र कहां पर है, तो ये जयपुर में स्थित है। जवाहर कला केंद्र कहां पर है, जयपुर में स्थित है। एक बार फिर से बताना दोस्तों, जवाहर कला केंद्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जवाहर कला केंद्र कहां पर है, जयपुर में। ये सबसे बड़ा शिल्पग्राम है। तीन शिल्पग्रामों की स्थापना की थी दूसरी औद्योगिक नीति के तहत हस्तकला का सबसे सर्वाधिक विकास किया गया था, और विकास करने के लिए तीन शिल्पग्रामों की स्थापना की। सबसे पहला शिल्पग्राम था हवाला, उदयपुर जिले में था और सबसे प्राचीन था, और पिछोला झील के किनारे था। दूसरा शिल्पग्राम था पाल या पाव, ये जोधपुर जिले में था। तीसरा शिल्पग्राम था जवाहर कला केंद्र, ये कहां पर था, जयपुर में था, और सबसे बड़ा शिल्पग्राम था, और इसका वास्तुकार चार्ल्स कोरियर कानपुर निवासी थे। और उद्घाटन की बात करें तो इसका उद्घाटन है वो तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने 1993 में किया, ठीक है। और राजस्थान में सर्वाधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो कहां पर होते हैं, वो भी जवाहर कला केंद्र में होते हैं। और दोस्तों आगे की ओर देखते हैं, 2013 में दो नए शिल्पग्रामों की क्या कर दी, स्थापना, शिल्पग्रामों की स्थापना की। तो नए शिल्पग्रामों की स्थापना की 2013 ईस्वी में, तो नए शिल्पग्रामों की क्या की, स्थापना की। सबसे पहले दूसरा देखो, देखते हैं पहला कौन सा था, श्री राम सिंहपुरा श्री
रामसिंहपुरा ये कहाँ पर है? श्री रामसिंहपुरा की बात करें तो ये कहाँ पर है? सवाई माधोपुर। श्री रामसिंहपुरा की बात करें तो ये कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में, ठीक है। और दूसरा है दोस्तों, दूसरे की बात करें तो दूसरे की स्थापना की थी पुष्कर। पुष्कर कहाँ पर है? आप सभी लोगों को पता है पुष्कर अजमेर में, ठीक है। कहाँ पर है? अजमेर में। 2013 में दो नए शिल्प ग्राम की क्या की थी स्थापना की? एक तो श्री रामसिंहपुरा सवाई माधोपुर में और दूसरा पुष्कर अजमेर में। दूसरा कौन सा? पुष्कर अजमेर में। अगर बात की जाए वर्तमान में शिल्प ग्रामों की संख्या कितनी है, वर्तमान में शिल्प ग्राम की संख्या है 8। कितनी है? 8। वर्तमान में शिल्प ग्राम कितने? 8, ठीक है। 2013 में दो नए शिल्प ग्राम बनाए थे, एक तो श्री रामसिंहपुरा शिल्प ग्राम है, वो कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। दूसरा पुष्कर शिल्प ग्राम है, वो कहाँ पर है? अजमेर में, ठीक है। लेकिन वर्तमान में शिल्प ग्रामों की संख्या वो कितनी है? 8 है, ठीक है। कितनी है? 8 है। आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगर बात करें दूसरी उद्योग नीति की, हमने बात कर ली दूसरी उद्योग नीति के तहत राजस्थान में हस्तकला का सर्वाधिक विकास किया गया और विकास करने के लिए राजस्थान में 3 शिल्प ग्रामों की क्या कर दी? स्थापना कर दी। 3 शिल्प ग्रामों की क्या कर दी? स्थापना कर दी। अब बात करते हैं आगे की ओर, तीसरी औद्योगिक नीति की बात करें। तीसरी औद्योगिक नीति का गठन है 1994 ईस्वी में हुआ था। इसमें लगभग कुछ भी नहीं किया था, ठीक है, थोड़ा बहुत किया था, पढ़ाने लायक नहीं है। आगे की तरफ देखते हैं चौथी औद्योगिक नीति की बात करिए, जिसका गठन है वो 1998 ईस्वी में हुआ था। और इस औद्योगिक नीति के तहत हस्तकला की क्षेत्रीय असमानता को दूर करने का प्रयास किया। क्षेत्रीय असमानता को दूर करने का प्रयास किया। जो चौथी औद्योगिक नीति है इसके गठन की बात की जाए तो इसका गठन है वो 1998 ईस्वी में हुआ। और इस औद्योगिक नीति के तहत हस्तकला की जो क्षेत्रीय असमानता है, जो जगह जगह असमानताएं होती हैं, उनको क्या किया है? दूर करने का प्रयास किया गया, ठीक है। चौथी औद्योगिक नीति के तहत इसका हस्तकला की क्षेत्रीय असमानता को दूर करने का क्या किया गया प्रयास किया गया, ठीक है। अगर बात करें आगे की ओर, पांचवी औद्योगिक नीति, इस औद्योगिक नीति की बात करें तो इसका गठन है दो हजार दस में। और इस औद्योगिक नीति में संशोधन की बात करें तो इस औद्योगिक नीति में संशोधन 2019 में किया गया। कब किया गया? 2019 ईस्वी में किया गया, ठीक है। पांचवी औद्योगिक नीति में संशोधन कब किया गया? 2019 ईस्वी में। 5 औद्योगिक नीति थी। पहली औद्योगिक नीति का गठन है वो 1978 ईस्वी में किया गया। इस औद्योगिक नीति के तहत हस्तकला को क्या दिया गया था? उद्योग का दर्जा दिया गया था। इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत, थे जनता पार्टी के थे, ठीक है। इसके बाद हम भारतीय जनता पार्टी की स्थापना है वो 6 अप्रैल
1980 के दिन हुई थी। इसके बाद में दूसरी उद्योग नीति आती है। दूसरी उद्योग नीति का गठन है वो 1991 ईस्वी में हुआ और इस नीति के तहत वो हस्तकला का सर्वाधिक विकास किया गया और विकास करने के लिए 3 शिल्पग्रामों की स्थापना की। पहला शिल्पग्राम का हवाला कहाँ पर? उदयपुर, सबसे प्राचीन शिल्पग्राम है और ये पिछोला जिले के किनारे स्थित है। दूसरा शिल्पग्राम है पाल या पाव, ये कहाँ पर है? जोधपुर में। तीसरा शिल्पग्राम है जवाहर कला केंद्र, ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा शिल्पग्राम है वो जवाहर कला केंद्र शिल्पग्राम है, ये कहाँ पर है? जयपुर में स्थित है। ठीक है, इसका वास्तुकार है वो चार्ल्स कोरियर है, कानपुर निवासी है। और उद्घाटन की बात करें तो इसका उद्घाटन है तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने 1993 में किया। और बात करें राजस्थान सर, राजस्थान में सर्वाधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो जवाहर कला केंद्र में ही होते हैं, जवाहर कला केंद्र में होते हैं। और 2013 ईस्वी में, 2013 में दो नए शिल्पग्राम बनाए थे, एक कौन सा? श्री राम सिंहपुरा कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। दूसरा पुष्कर शिल्पग्राम, ये कहाँ पर है? अजमेर में। तीसरी औद्योगिक नीति का गठन कब हुआ? 1994 में। और चौथी औद्योगिक नीति का गठन कब हुआ? तो 1998 ईस्वी में। ठीक है, 1998 ईस्वी हुआ था। और चौथी औद्योगिक नीति के तहत हस्तकला की क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया। और पांचवी औद्योगिक नीति का गठन है वो 2010 के दिन हुआ, 2010 में हुआ। इसमें संशोधन की बात करें तो इसमें संशोधन कब हुआ? 2019 में। ठीक है, ये हो गई आपकी 5 उद्योग नीतियां जो हस्तकला के लिए राजस्थान सरकार ने क्या की अपनाई थी। अब पढ़ते हैं हस्तकला में सबसे पहले ब्लू पोटरी, कि ब्लू पोटरी क्या होती है। नंबर 1 पर पढ़ेंगे ब्लू पोटरी। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? ब्लू पोटरी। अगर सबसे पहले बात आती है ब्लू पोटरी प्रसिद्ध काम की है तो ब्लू पोटरी दोस्तों प्रसिद्ध अपनी जयपुर जिले की है। कहाँ की है? जयपुर की। ब्लू पोटरी दोस्तों वो कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। इसके बाद में बात आती है ब्लू पोटरी क्या है। ब्लू पोटरी की बात करें तो चीनी मिट्टी या कांच के बर्तनों पर बर्तनों पर नीले रंग से की जाने वाली चित्रकला वो क्या कहलाती है? हस्तकला कहलाती है। जो चीनी मिट्टी या कांच के बर्तनों पर जो नीले रंग से चित्रकला की जाती है उसे क्या कहते हैं? ब्लू पोटरी कहते हैं। अब ब्लू पोटरी वैसे मूलतः कहाँ की है? ब्लू पोटरी की बात करें तो ये मूलतः ईरान के पर्सिया की है, मूलतः ईरान के कहाँ की है? अब पर्सिया की। ब्लू पोटरी है वो ईरान के पर्सिया के मूल थे। ईरान से दोस्तों ये लाहौर है वो मुगल शासकों के साथ में आई। किसके साथ में आई? मुगल शासकों के साथ में। किस कहां पर आई? लाहौर आई मुगल शासकों के साथ में कहां पर आई? लाहौर आई। और राजस्थान में कैसे आई? लाहौर से दोस्तों राजस्थान में आमेर आई। कहां पर आई? आमेर। और आमेर लानी का श्रेय किसको जाता है? तो वो मानसिंह प्रथम को जाता है। किसको जाता है? मानसिंह प्रथम। देखो ब्लू पोटरी है वो मूलतः कहां की है? ईरान के पर्सिया की है। और पर्सिया से लाहौर है वो मुगल शासकों के साथ में आई। और लाहौर से मानसिंह प्रथम के साथ में, इसके साथ में मानसिंह प्रथम के साथ में वो कहां पर आई? आमेर या राजस्थान में। क्वेश्चन कैसे आएगा के
ब्लू पोट्री को राजस्थान में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो किसको जाता है? मानसिंह प्रथम को जाता है। मानसिंह प्रथम है वो अकबर के काल में था, ठीक है, अकबर के काल में था। और ये अकबर का क्या था? अकबर का सेनापति भी था। अकबर का सेनापति मानसिंह प्रथम लाहौर से कहां पर आमेर में किसको लाया? ब्लू पोट्री को लाया। कहां पर किसको लाया? ब्लू पोट्री को, ठीक है। अगर बात करें ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास बात करें तो सर्वाधिक विकास है वो रामसिंह सेकंड के काल में हुआ था, रामसिंह द्वितीय के काल में हुआ था। ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास है वो रामसिंह द्वितीय के काल में हुआ था, इसलिए रामसिंह द्वितीय के काल को ब्लू पोट्री का स्वर्ण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्ण काल। स्वर्ण काल कहते हैं। ब्लू पोट्री की बात की जाए तो ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास है वो किस काल में होता? रामसिंह द्वितीय के काल में हुआ था, इसलिए रामसिंह द्वितीय के काल को ब्लू पोट्री का स्वर्ण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्ण काल कहते हैं। अगर बात करें ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध कलाकार ब्लू पोट्री अपन अध्ययन किसका कर रहे हैं? ब्लू पोट्री की बात करें तो इसका प्रसिद्ध कलाकार था कृपाल सिंह शेखावत। ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध कलाकार कौन था? तो वो कौन था? कृपाल सिंह शेखावत की बात करें तो ब्लू पोट्री के लिए 1974 ईस्वी में पद्मश्री मिला, ठीक है। 1974 ईस्वी में कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोट्री के लिए क्या मिला? पद्मश्री पुरस्कार मिला। और ये अगर बात करें कृपाल सिंह मऊ के निवासी थे और इन्होंने ब्लू पोट्री में 25 से ज्यादा रंगों का प्रयोग किया 25 से भी ज्यादा रंगों का क्या किया? ब्लू पोट्री में प्रयोग किया, इसलिए इन्हें ब्लू पोट्री का जादूगर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू पोट्री का क्या कहते हैं? जादूगर कहते हैं। ब्लू पोट्री का जादूगर भी कहते हैं, कहते हैं, ठीक है। प्रसिद्ध कलाकार की बात करें तो ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध कलाकार है कृपाल सिंह शेखावत है। ये ब्लू पोट्री के लिए इन्हें 1974 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार मिला। क्या मिला? पद्मश्री पुरस्कार मिला। और ये सीकर के मऊ के क्या है? निवासी है, ठीक है, निवासी। और ये ब्लू पोट्री में 25 से भी ज्यादा रंगों का इन्होंने क्या किया? प्रयोग किया। और ब्लू पोट्री का जादूगर किन्हें कहा जाता है? तो जादूगर भी किन्हें कहा जाता है? कृपाल सिंह शेखावत को कहा जाता है। अगर बात करें ब्लू पोट्री का वर्तमान कलाकार
वर्तमान कलाकार। तो वर्तमान कलाकार की बात करें, ये प्रसिद्ध कलाकार है, ठीक है। वर्तमान कलाकार की बात करें तो वर्तमान कलाकार है लीला बोर्डिया, लीला बोर्डिया, लीला बोर्डिया है। ये जयपुर निवासी है, कहाँ की है? जयपुर निवासी, जयपुर निवासी, ठीक है दोस्तों। ये कहाँ की है? जयपुर निवासी। ब्लू पोट्री की बात की जाए तो इसके वर्तमान कलाकार है वो लीला बोर्डिया है, और लीला बोर्डिया कहाँ की है? जयपुर की है, कहाँ की है। और प्रसिद्ध कलाकार की बात करें तो इसका प्रसिद्ध कलाकार है वो कृपाल सिंह शेखावत है। क्या है? कृपाल सिंह शेखावत। आगे की ओर देखते हैं दोस्तों, अगर बात करें ये होगी अपनी ब्लू पोट्री, अब बात करते हैं ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध, ब्लैक पोट्री, ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ब्लैक पोट्री दोस्तों कोटा की प्रसिद्ध है, कोटा की प्रसिद्ध, ब्लैक पोट्री की बात करें तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध है। और व्हाइट पोट्री, व्हाइट पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? तो व्हाइट पोट्री है पोकरण जैसलमेर की, पोकरण जैसलमेर की, लाख की पोटरी, लाख की पोटरी अपने बीकानेर की प्रसिद्ध है, कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। इसके बाद में दोस्तों कागजी, पेपर मैसी या डबल कट, डबल कट पोट्री, ये दोस्तों अलवर हुआ जयपुर की प्रसिद्ध है, अलवर हुआ जयपुर की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों। ब्लैक पोट्री है वो कोटा की प्रसिद्ध है, व्हाइट पोट्री है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? पोकरण की, और लाख की पोटरी है वो बीकानेर की प्रसिद्ध है। कागदी पेपर मैसी डबल कट पोटरी है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर व जयपुर की प्रसिद्ध है। ये आपकी पोटरी हो गई। आगे कल अध्ययन करेंगे दोस्तों मीनाकारी का, किसका अध्ययन करेंगे? मीनाकारी का। आज के लिए इतना ही बहुत है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, राम राम दोस्तों।